आपने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाया, स्लीप पूरे 7 घंटे तक ली, और तो और आपके पास टाइम था तो आपने फेस मास्क भी लगाया सुबह ही, पर फिर भी क्या आपको नींद के झोंके आ रहे हैं? और आप बहुत ट्राई कर रहे हैं पर आप अपने आप को सोने से रोक ही नहीं पा रहे? आप हमेशा तो सो नहीं सकते, इसीलिए आप सोचते हो कि काश आप एक स्मॉल नैप ले ही लेते। पर अगर आपको आपकी एनर्जी बूस्ट करना है तो ये वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्क माय गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्लव ऑफ द स्लंप इन द शावर। आज सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज आप जाकर एक कोल्ड शावर ले, क्योंकि एक बार शावर करने के बाद इजीली वापस बेड पर जाके सोने का मन नहीं करेगा। याद रखिए कि आप शावर के वक्त अपनी बॉडी को स्क्रब जरूर करें, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी और कुछ ही मिनट में आप एकदम फ्रेश भी हो जाएंगे। पॉप सम फ्रूटी मेगा फूड गमी विटामिन। फैक्ट कि 2 PM फीलिंग आपको कभी भी आ सकती है दिन में, जिसका मतलब होता है नैप टाइम वाली नींद आना। और जब भी ऐसी फीलिंग आए आपको, तो आपके पास भी कुछ रहना चाहिए काउंटर अटैक के लिए। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ मेगा फूड ट्राई करना चाहिए या फिर कोई सप्लीमेंट्स जो अच्छा टेस्ट करता है, ऐसा कोई स्नैक फूड जिसे आप दिन में कभी भी खा सकते हैं। मूव योर हाउस प्लांट्स क्लोजर टू योर वर्क स्पेस। ड्रेन्ड एनर्जी, एलर्जीज, हेडेक्स, ये सब कॉमन सिम्टम्स है कि आप सफर कर रहे हैं इंडोर विजलिंग पॉल्यूटेंट्स का। इसलिए आपको एक प्लांट की जरूरत है जो आपकी एयर को क्लीन करे और फिल्टर आउट करे टॉक्सिन्स। तो आप कुछ प्लांट्स को अपने डेस्क के पास रखेंगे तो हेल्प कर सकता है फटीग को दूर रखने में। स्वाइप सम लेमन बिहाइंड द ईयर्स। आप सोचते होंगे कि पानी अपने हाथ में लेकर कुछ ड्रॉप्स अपने मुंह पर स्प्रिंकल करने से आपकी नींद दूर हो जाएगी और आपको एनर्जाइज भी फील होगा, बट ऐसा तभी ही होगा जब आप लेमन या कोई एसेंशियल ऑयल से करेंगे। ऐसा होगा क्योंकि लेमन और एसेंशियल ऑयल में स्टिम्युलेटिंग सेंट होता है जो मूड बूस्टर माना जाता है। डू सम लाइट रिसर्च फॉर योर नेक्स्ट वेकेशन। आप कभी भी कोई बोरिंग टास्क के बीच में हैं, तभी आपके एनर्जी लेवल्स जल्दी फेल करते हैं और आपकी आंखें बंद होने लगती हैं। ऐसे वक्त पर एनर्जी बूस्ट करने का एक तरीका है, आप जो काम कर रहे हो उसे साइड में रखकर थोड़ी देर के लिए कुछ और काम करें। इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अगर आपको जॉब पर मन नहीं लग रहा है, आप 1 या 2 दिन का वैकेशन प्लान कर सकते हैं। स्ट्रेच आउट इन डाउनवर्ड डॉग। योगा करने से सिर्फ आपका ब्लड सर्कुलेशन ही अच्छा नहीं होगा, इससे आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन भी दूर हो सकती है। जैसे कि अगर दिन बहुत लंबा है और आपके अंदर की पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, तभी आपको आपका योगा मैट रोल आउट करना है और कुछ योगा स्ट्रेचेस करने हैं, जिससे आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा और आपको आपकी एनर्जी भी वापस मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे ना कुछ आसान तरीके आपकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए। अब जब भी आप अपने वर्क स्पेस में कुछ टायरिंग या फटीग फील करते हो, इसमें से आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो और इंस्टेंटली आपकी एनर्जी वापस रीगेन कर सकते हो। तो इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।